सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। सो आज की वीडियो गया हमारी बीपीसीसी 109 की यूनिट 10 के ऊपर, जो कि है संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक संबंध। तो जैसे कि हम लोग ने यूनिट 9 तक कवर कर लिया, और आपने इस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारा लाइक किया है और बहुत सारे अलग अलग तरीके कमेंट किया है। तो आप लोग को कोई भी चीज़ें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके समझाते रहिए, और वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। सो तो आगे हम लोग सामाजिक संवेगात्मक विकास के आयाम की सामाजिक रूप से संवेग का विकास कैसे 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 होता रहता है बच्चों में, शोधकर्ता शिशु और बच्चों में सामाजिक विकासात्मक सामाजिक संवेगात्मक विकास के कुछ आयामों को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। आत्म चेतना का विकास, जो है बच्चों की भावनाओं और अभिप्रेरणा को पहचानने और उसका वर्णन करने की अक्षमताओं को प्रदर्शित करता है। अपनी भावनाओं और आत्मनिरीक्षण, प्रतिबद्धता और सही सहमित करने की क्षमता में संवेगों का क्रमिक आत्म प्रबंधन, दूसरों में समान संवेगात्मक प्रक्रियाओं को पहचानना, सामाजिक रूप से जागरूक होना और अन्य लोगों के संवेगों का सामना करना और उन पर उचित प्रतिक्रिया देना, संबंधों के रखरखाव के का कौशल तथा सामाजिक सूचनाओं का संरेखण और उत्तरदायी निर्णय लेना। ठीक है, तो संवेग और उसका विकास जटिल हो सकता है, मानी बात है, जटिल हो सकता क्या जटिल है। और छोटे बच्चों के लिए सोचते समझने और अनिवार्य रूप से एक शॉपिंग मॉल या एक स्टोर पर नजरें दिखाने की याद आता है। शर्मिंदा या कभी कभी उदासीन माता पिता देखकर देखभाल करने वाले झुंझुलाहट के आवेश के दौरान पड़ता है। जिन्होंने इसे झेला है वह जानते हैं कि एक गुजर जाने वाला स्थायी चरण है, जबकि नवजात शिशुओं की सहजता से देखना हमारी प्रसन्नता को बढ़ाता है। लेकिन नैतिक बाधाओं को देखते हुए शिशुओं के साथ परिष्कृत रूप से डिजाइन किए गए शोध में इन नए संवेगों का आकलन करना मुश्किल है। हालांकि संसार भर के कुछ विशेष वर्ग में संवेगों के बारे में सार्वभौमिकता है। शिशु विभिन्न संस्कृतियों में बुनियादी संवेगों के रूप में समान भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, प्राथमिक देखभाल करने वाले को देखरेख अधिकांश शिशुओं को सुख मिलता है और वह मुस्कुराते हैं, जबकि गंदे डायपर और नैपकिन पहनने वाले से किसी भी शिशु के लिए मुश्किल हो जाती है और वह निराश महसूस करते हैं और रोने भी लगते हैं। प्राथमिक संवेग, ठीक है, संवेगात्मक विकास की प्रथम विकास की प्रक्रिया रेखीय नहीं बल्कि चक्रीय है, मतलब एक गोल है, जैसे कि ये आपको दिख रही है यहाँ पे एक गोल है। इसकी शुरुआत शिशु में संवेगों को समझने और उनके संवेगों को लेवल देने की शुरुआत होती है। इसके बाद अपने संवेगों को अभिव्यक्ति को नियमित करना सीखते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और उचित और अनुचित तरीके, और अंत में संवेगों को सामना करने या संवेगों की संभावना के अधिक परिष्कृत तरीके विकसित करते हैं और संवेगात्मक गुणन विकसित करते हैं। ठीक है, युवा शिशुओं के संवेगों से संबंधित कौशल और अनुभव अक्सर सबसे अधिक उस समय होते हैं जब उन्हें देखभाल करने वालों द्वारा खाना खिलाया जा रहा हो, रखा जा रहा हो, या सहलाया जा रहा हो, या सांत्वना दी जा रही हो। ठीक है, वे भाषा के उपयोग करके संप्रेषण करते हैं और उसे संवेग उनकी मस्तिष्क प्रतिक्रियाओं को परिकृत करने बहुत प्रासंगिक होते हैं। उनमें संवेगात्मक विकास और उनके जीवन के काल में उनके समग्र विकास के बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम सभी ने देखा है, अनुभव किया है कि जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो उन्हें अच्छे से खाना खिलाया जाता है, सांत्वना दी जाती है और शारीरिक विकास शारीरिक रूप से पकड़ा जाता है, जब तक सकारात्मक संवेगों को प्रदर्शित करते हैं। मतलब जब आप बच्चे थे तो आप किसी भी चीज़ को समझने के लिए अपने इशारे प्रदर्शित करते थे और वो इंसान आपकी देखभाल खाना खिलाता था, रखता था और सहलाता था और सांत्वना देता था, और ये भाषा का उपयोग करके संप्रेषण करते थे, हे करना, दांत दिखाना, मुंडी हिलाना, है ना, करता था, और आप उसके संवेगों को समझते थे और अपने मस्तिष्क में बिल्ड करते थे कि ये इतना खिला रहा है, सहला रहा है,
फुसला रहा है, ध्यान रख रहा है, तो हंसना ये सब चीजों का एक रिएक्शन किया जाता था उस समय। ठीक है, आत्मचेतन संवेग, आत्म जागरूकता की पहचान, और इसको आप और ब्रीफली पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। आत्मचेतन संवेग आत्म जागरूकता की पहचान और विकास की छानबीन के साथ आत्मचेतन संवेग आकार ग्रहण करते हैं। इन संवेगों की को अपनी स्वयं की महसूस करने वाले संवेगों को अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है, और ये लगभग 1.5 वर्ष की आयु में उत्पन्न होता है। यह तब होता है जब शिशु दर्पण के साथ संप्रेषण करना शुरू करता है और सर्व संबंधित सर्वनामों का उपयोग करना शुरू करते हैं। जब वे आत्म चेतना विकसित करते हैं तो उन्हें सामाजिक रूप से प्रदर्शन करने के लिए कहते हैं, कहने पर शर्म महसूस करते हैं। बाद में दूसरे वर्ष में वे जब दूसरों के साथ प्रदर्शन की तुलना कर सकते हैं और वे आंकने की मूल्यांकन करने में सक्षम होते हैं, वे अपराध बोध, शर्म, गर्व जैसे अन्य जटिल संवेगों को प्रदर्शित करते हैं। जब शिक्षक उनके काम की प्रशंसा करते हैं तो वह गर्व से फूल जाते हैं और वह अपनी अपने पानी या पेय पदार्थों को गिरा देते हैं और उन्हें शर्मिंदा महसूस करते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों में जब 1-2 साल के होते हैं तो वो किसी चीज़ को पहले करने में, जैसे बेटा डांस करो, बेटा डांस करो, तो बच्चा शर्माता है, लेकिन दूसरे वर्ष में वो उस चीज़ों को क्या होता है, आत्मबोध, शर्म, गर्व, अन्य जटिल संवेगों को प्रदर्शित करते हैं और पानी अच्छे काम करने पे गर्व महसूस करते हैं, टीचर्स के सामने अच्छा नंबर लाने पर और पानी गिराने पर शर्मिंदा महसूस करते हैं। ठीक है, सामाजिक उद्धरण, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक ने संवेगात्मक विकास के नए प्रकारवाद के विचार और प्रस्ताव रखा है, जहाँ संवेग संबंध परक और केवल आंतरिक रूप से प्रदर्शित और नियंत्रित नहीं है। उदाहरण के लिए पारिवारिक अंतर क्रियाओं में पारस्परिक समाजीकरण होता है, बच्चे और देखभाल करने वाले एक दूसरे के साथ सामाजिक बनते हैं। सामाजिक उद्धरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिशु प्रयोजन के साथ दूसरों की भावनाओं और संवेगों को खोज करता है और उनका सामना अपशिष्ट उद्दीपक में होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ बच्चे अपने स्वयं की क्रियाओं कलापों को बदलने और संशोधन करने में देखभाल करने वाले के चेहरों की जानकारी का उपयोग स्वतः पूर्व तरीके से करते हैं। अन्य सभी लोगों की तरह अनुभव की अनिश्चितताओं को कम करने के लिए शिशु स्थिति के अर्थ को समझना चाहते हैं। उदाहरण के लिए जब शिशु माता पिता या भाई बहनों को तकिए की लड़ाई से लिप्त देखते हैं तो चौंक जाते हैं, जबकि वह उन्हें हंसते और इस कृत्य का आनंद लेते हुए देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि यह एक पारिवारिक खेल है। सामाजिक उद्धरण में उपयोग वास्तविक माता पिता की देखभाल करने वाले वांछित व्यवहारों को आकार देने के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं उनको मारा पीटा मिजारा गिरा गिरा के, ये बस एक खेल है। लोग जैसे कुत्ता लड़ता है, कुत्ता के बच्चे देखोगे आपस में खेलते हैं, वैसे ही हम लोग खेलते हैं, कुत्ते की तरह नहीं है, मतलब एक खेल को तकिया से इस तरीके से खेलते हैं, उसे सीखते हैं और उसे इंजॉय करते हैं। संवेग लिपिया, ठीक है, संवेग लिपिया सहावस्था और किशोरावस्था के बीच बच्चे में संवेगात्मक अनुभव का जबरदस्त विकास होता है। संवेग विशिष्ट शब्दों के अर्थ और उनके अर्थ और इन संवेगों को उत्पन्न करने वाली स्थिति में परिवर्तन दिए जाते हैं। इसे बच्चों में संवेग विशिष्ट ज्ञान को अधिग्रहण के रूप में देखा जाता है, जो लिपियों का रूप होता है, या किसी विशेष घटना या स्थिति से उत्पन्न होने वाले संवेगों के प्रकार का ज्ञान होता है। ज्ञान है जैसे जैसे परिपक्व होता है उनकी संवेगात्मक लिपियों की जटिलता बढ़ती जाती है। संवेगात्मक संवेगात्मक विनियमन, जैसे कि पहले बताया गया कि संवेगात्मक विनियमन एक बच्चे के सामाजिक संवेगात्मक विकास का एक प्रमुख हिस्सा है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें क्रमिक सामाजिक प्रतिबंधों वाले संसार में काम करने की आदत डालनी चाहिए, जैसे कि खाना खाने के बाद बर्तन साफ कर देना, अपना एक रूम क्लीन रखना, हमेशा चीज़ों को क्लीन रखना, अपना बैग क्लीन रखना, अपनी अपनी अलमारी क्लीन रखना। इसे 2 तरह से हासिल करना किया जा सकता है, जिसमें एक पर्यावरणीय उद्दीपकों के संवेगात्मक प्रभाव को इस तरीके से जांचने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें सामाजिक स्वीकृति मिल सके। दूसरा तरीका यह है कि वास्तविक कर्म
कम स्वीकार्य संवेगों को छुपाया जाए। दो तरीके के होते हैं, एक लोग तो भाई चाहते हैं अच्छे से व्यवस्थित करके कुछ अच्छा सुनना, और कुछ होते हैं जो चीज़ों को छुपा देते हैं, मोड़ तोड़ के अलमारी को बंद कर देते हैं और चीज़ें छुपाते हैं। पर प्रदर्शक नियम, जैसे जैसे कि बच्चे धीरे धीरे लगातार बड़े होते जाते हैं, वह यह भी प्रक्रम करते हैं कि सांस्कृतिक मानदंडों के अनुसार संवेगों को व्यक्त करने के कुछ अनुज्ञेय तरीके है। संवेग प्रदर्शक नियम निर्दिष्ट करने के लिए दिए गए सांस्कृतिक ताने बाने में कौन से संवेग व्यक्त करने के लिए उपयुक्त है या नहीं। उदाहरण के लिए सरल नियम, जैसे किसी के द्वारा भिन्न प्रकार के कपड़े पहनने पर ऐसे कौतूहल देखना, अंतिम संस्कार में ना हंसे जब आपके घर का मेहमान आए तो हंसमुख रहे, ये सभी संस्कृति विशिष्ट प्रदर्शक नियम है। ठीक है, संवेगात्मकता में व्यक्तिगत भिन्नता सब में हो सकती है। कोई किस तरीके से सीखता है, कुछ नए तरीके सीखता है, कोई अलग अलग तरीके से संवेग को प्रदर्शित करता है। कुछ ठीक है, विविध सांस्कृतिक साक्ष जो होते हैं, इस्लाम में अलग तरीके से सिखाया जाता है, हिंदू में अलग तरीके से, बंगालियों में अलग तरीके से, पंजाबियों में अलग तरीके से, अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसे प्रस्तुत किया जाता है। वह बच्चे उस तरीके की चीज़ें से सीखते हैं, जैसे कड़ा पहनना, पगड़ी बांधना, जिस कोई शुक्रवार को टोपी पहनता है, कोई शुक्रवार को कुर्ता पहनता है, और कोई नवरात्रि में कुर्ता पहनता है, कोई किसी तरीके से व्यवहार होता है। संवेगात्मक संबंध, ठीक है, मनुष्य अपने इर्द गिर्द की दुनिया में सब समझने और उसमें अंतिक क्रिया को करने के लिए सामाजिक होने की प्रवृत्ति है। संबंध एक प्रमुख प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न जैविक, पर्यावरणीय और प्रासंगिक कारक पारिस्थितिक रूप से प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे को मजबूत करते हैं। जो संबंध सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी, विश्वसनीय, पारस्परिक है, वो बच्चे और उसके भौतिक और सामाजिक संबंधों के माध्यम गतिशीलता के लिए सकारात्मक विकासात्मक प्रभाव है। इस प्रकार के सार्थक और सकारात्मक संबंध सर्वोत्कृष्ट मुहावरेदार विकास पथ स्थापित करते हैं जो अधिगम अनुकूल संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञात्मक प्रक्रियाओं में सम्मिलन के स्थायी प्रारूप के लिए अंतर्निहित आधार के रूप में कार्य करते हैं। जो एक बच्चे को मानसिकता निर्माण को आकार देते हैं। समय के साथ जन्म के समय शिशु यथोचित रूप से असहाय होते हैं और ये जन्म के कुछ समय बाद तक जारी रहती है। शिशु स्मृति संवेदी क्षमताओं के साथ पैदा होता है और यह उन्हें कमजोर बनाता है। धीरे धीरे बच्चे संबंध बनाते हैं और दूसरों के साथ अंतःक्रियाओं करते हैं और अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने में सक्षम होते हैं। सर्वावस्था के दौरान महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्वस्थ अशक्ति का निर्माण है। हार्लो बोल्बी और एल्बर्ट जैसे मनोवैज्ञानिक यह जानने में रुचि रखते हैं कि शिशु इस मील का पत्थर कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, आसक्ति का सिद्धांत, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बच्चे का इस विशेष लगाव उसकी माता पिता से होता है, और जो बच्चे द्वितीय युद्ध में अपने माता पिता को खो देते हैं वो उस गम को कभी भुला नहीं पाते और किसी भी चीज से उस गम की क्या भरपाई नहीं हो सकती है। उसी में बोल्बी का आसक्ति का सिद्धांत है। बोल्बी, जॉन बोल्बी, ब्रिटिश मनोचिकित्सक और अंतःशक्ति सिद्धांत संस्थापक, आसक्ति के मनुष्य के बीच स्थायी मनोवैज्ञानिक जुड़ाव के रूप में वर्णित किया। बोल्बी ने देखभाल करने वाले शिशुओं के बीच संबंध आसक्ति संबंध पर एक सिद्धांत तैयार किया। मनुष्य सिद्धांत मुख्य रूप से मनुष्य विश्लेषणात्मक सिद्धांत, आचार शास्त्र और संज्ञात्मक और मनोविकासात्मक मनोविज्ञान की कृति को पर निर्भर करता है। सिद्धांत बताता है कि शिशु को उनके देखभाल करने वाले की प्रतिक्रिया देने के लिए कार्यक्रमबद्ध प्रोग्राम किया जाता है। देखभाल करने वाले एक शिशु के संकेतों का जवाब देने के लिए जैविक रूप से प्रोग्राम किया जाता है। ऑक्सीटोसिन कड़ल हार्मोन मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस से निर्मित होता है। यह मनुष्य और प्राणियों के में इस बंधन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोल्बी ने एक छोटे बच्चे की प्रतिक्रिया को 3 चरण में सुझाया, जिसमें वो पहले विरोध करता है, फिर थोड़ी देर शांति से बैठ जाता है, और थोड़ी देर शांति से बैठने के बाद तीसरे चरण में कुछ सप्ताह बाद उसे विलग्न करने लगता है, जिसके अपनाने लगता है थोड़ा थोड़ा, और उस वातावरण के अनुसार ढलना स्टार्ट कर देता है। हार्लो ने इस बंदर के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रयोग किया और एक खाली रूम में बंदर के बच्चे को एक
रोबोट के साथ एक प्रयोग किया गया जिसमें एक रोबोट को उसकी माँ के रूप में दर्शाया गया और उसे कंफर्टेबल बनाया गया, जिससे कि वो उसके साथ लगाव करने लग जाता है कुछ देर बाद, और उसके पास जा जाकर बार बार बैठने लग जाता है डरने के समय। इसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप उसे वहां देख सकते हो। एंसवर्थ का विचित्र परिस्थिति परीक्षण अशक्ति का प्रारूप, मुझे कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, पढ़ाना पड़ेगा। विचार विकासात्मक मनोवैज्ञानिक एरियर मैरी एंसवर्थ ने बौद्धिक आधारभूत सिद्धांतों को विकसित किया और अशक्ति सिद्धांत के लिए समर्थन प्रदान किया। उन्होंने अशक्ति के प्रारूप के अध्ययन करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त प्रयोगात्मक डिजाइन की अवधारणा दी। एडवर्ड ने विचित्र परिस्थिति परीक्षण के अभिनय की घटनाओं का एक श्रृंखला शामिल की जो एक बच्चे और उनकी देखभाल करने वालों के बीच अशक्ति के परिणाम का प्रकट करती है। विचित्र परिस्थिति में निम्नलिखित घटना घटता है, शिशु और अपनी माँ एक अपरिचित कमरे में प्रवेश करते हैं, दूसरा माँ आराम से बैठ जाती है और बच्चे को स्वतंत्र रूप से जांच पड़ताल के लिए जगह देती है, तीसरा फिर एक वयस्क अपरिचित कमरे में प्रवेश करता है और अपनी माँ और फिर बच्चे से बातचीत करता है। माँ अपने कमरे से बाहर निकल जाती है, शिशु को अपरिचित के साथ छोड़कर माँ पुनः लौटती है, बच्चे का अभिवादन करती है और बच्चे को सांत्वना देती है और अपरिचित चला जाता है। बच्चे को अकेला छोड़कर माँ फिर से चली जाती है, अपरिचित फिर से प्रवेश करता है, माँ लौटती है और अपरिचित चला जाता है। ये एक वीडियो के तौर पे होगा, आपको एडवर्ड का सर्च करना पड़ेगा, जिसमें आप समझ सकते हो कि बच्चा किस तरीके से डरता है या घबराता है, उसकी भावनाओं को किस तरीके से संवेगात्मक चीजें महसूस करता है। तो विभिन्न संस्कृतियों में अभिव्यक्ति अशक्ति भी है, जिसको आप पढ़ सकते हो, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। इस वीडियो को लंबा करने का कोई मतलब नहीं है, मुख्यतः अशक्ति का बौद्धिक सिद्धांत ही होता है। और एक नई यूनिट जो कि हमारी 11 है, जिसको आप अगले वीडियो में देखोगे। किसी भी तरीके का कोई डाउट और प्रॉब्लम हुई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी सब की सब नई वीडियो की लिंक आपको धकाधक मिलती रहे। और आप खुश रहो, पढ़ते रहो, ध्यान रखना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में।